मेरा नाम केशांत कुमार है और आज मैं आपको रेलगाड़ी से संबंधित एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। क्वेश्चन हमारा है आज का, एक रेलगाड़ी मेरठ से सुबह 4 बजे चलती है तथा दिल्ली सुबह 7 बजे पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 4 बजे चलती है तथा मेरठ सुबह 6 बजे पहुँच जाती है। बताओ दोनों रेलगाड़ियाँ कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी। ये क्वेश्चन विद्यार्थियों परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है और मैं आज आपको इसको हल करने की शॉर्ट विधि बताऊंगा, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं डिपार्चर टाइम, यानी गाड़ी के चलने का टाइम, और एक तरफ लिखेंगे हम लोग अराइवल टाइम, यानी गाड़ी के पहुंचने का टाइम। तो हम यहां पर यह देखते हैं कि जो पहली वाली गाड़ी है, जो पहली गाड़ी है, ये मेरठ से सुबह 4 बजे चलती है और दिल्ली सुबह 7 बजे पहुंच जाती है। तो हमने इस तरह से लिख दिया इसको कि पहली गाड़ी का डिपार्चर टाइम 4 बजे का है और अराइवल टाइम 7 बजे का है। अब हम दूसरी गाड़ी को देखते हैं, दूसरी गाड़ी जो है दिल्ली से सुबह 4 बजे चलती है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 4 बजे चलती है और ये ट्रेन मेरठ 6 बजे पहुंच जाती है, इसका अराइवल टाइम 6 बजे है। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखिए ध्यान से बोर्ड पर, इस 4 में और 7 में डिफरेंस 3 है, 3 घंटे का डिफरेंस है, तो आपको 3 घंटे इधर लिखना है और 3 घंटे इधर लिखना है। इसके बाद इस 4 में और 6 में डिफरेंस 2 का है, 2 आपको इधर लिखना है लेकिन इधर नहीं लिखना है, इधर आपको इन दोनों का डिफरेंस 2 यहां लिखना है लेकिन ये वाला डिफरेंस 2 इधर नहीं लिखना है। इधर आपको इस वाले डिपार्चर टाइम में पहले वाला डिपार्चर टाइम और दूसरे वाला अराइवल टाइम, इन दोनों का डिफरेंस 2 वो आपको इधर लिखना है। अभी आपको कैसा लगेगा इस क्वेश्चन में कि इन दोनों का डिफरेंस 2 और इन दोनों का डिफरेंस 2 सेम आ रहा है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनमें डिफरेंस क्या आएगा, अलग आएगा। तो फिलहाल तो यहां पर सेम है लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे भी जहां पर डिफरेंस अलग है। अब आपको आगे क्या करना है, आपको आगे इन दोनों को प्लस करना है और इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई 6, इन दोनों का प्लस 5 नीचे और इनटू 60, इसे कट करोगे 12 टाइम्स, 12 छीन होता है 72, 72 मिनट आएगा और 72 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 12 मिनट। और ये 1 घंटा 12 मिनट जो पहले वाला डिपार्चर टाइम होगा, पहला जो डिपार्चर टाइम होगा उसमें इसको ऐड कर देंगे, तो 4 में हम लोग ऐड कर देंगे 1 घंटा 12 मिनट को, तो हमारा जवाब आएगा 5:12, तो प्रातः। तो ये दोनों गाड़ियां प्रातः यानी सुबह 5:12 पर मिल जाएंगी। अब हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन के इस ट्रिक के आधार पर और क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दो तरह का आता है विद्यार्थियों परीक्षा में, एक क्वेश्चन ये होता है कि दोनों गाड़ी के चलने के डिपार्चर टाइम, चलने के टाइम यानी डिपार्चर टाइम सेम रहते हैं, और एक क्वेश्चन ये आता है कि दोनों गाड़ी के चलने के टाइम डिपार्चर टाइम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो एक क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं जिसमें दोनों गाड़ी के चलने के टाइम यानी डिपार्चर टाइम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए, मैं इसको सारे ग्राफ कर देता हूं और इनके यहां पर टाइम चेंज कर देता हूं। हम लिखते हैं एक रेलगाड़ी मेरठ से सुबह 5 बजे चलती है तथा दिल्ली सुबह 8 बजे पहुंच जाती है, और दूसरी गाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे चलती है और ये मेरठ सुबह 8 बजे पहुंचती है, और बताना हमें कि दोनों गाड़ी कितने बजे एक दूसरे को मिले। तो स्टूडेंट्स पहले की तरह ही पहले वाली ट्रिक हम फॉलो करेंगे, पहली गाड़ी के चलने का डिपार्चर टाइम 5 बजे और अराइवल टाइम 8 बजे, दूसरी गाड़ी के चलने का डिपार्चर टाइम 6 बजे और पहुंचने का टाइम अराइवल टाइम 8 बजे। पहले की तरह करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 3 इधर लिखेंगे और यही 3 हम इधर लिख देंगे, इन दोनों का डिफरेंस 2 हम इधर लिखेंगे लेफ्ट में और इनका डिफरेंस 3 हम लिखेंगे राइट में। पहले की तरह करेंगे बिल्कुल, इन दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर लिखेंगे 9 और इन दोनों का एडिशन 5 हम नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर 16 और 5 से काटेगा 12 निकला होता है 108 मिनट और 108 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 48 मिनट। तो डियर स्टूडेंट्स ये ट्रेन 1 घंटा 48 मिनट बाद मिलेगी
और इस टाइम को हम पहले वाले डिपार्चर टाइम में जोड़ देंगे, तो हम इसको 5 में जोड़ देंगे, 5 प्लस 1 घंटा 48 मिनट, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6:48 और AM। तो ये स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको दो एक ट्रिक बताइए और दो अलग अलग क्वेश्चन बताइए, और ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।